चलत चलत कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। बदलेंगे ना हम खुशी मिले या गम, दुनिया यूं ही मचलती रहे। वेलकम, गुड मॉर्निंग है। आज तारीख है 4th June 2023 और सुबह के 7 बज रहे हैं। मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे 9 बज रहे हैं, दिमाग में मेरे 12 बज रहे हैं। भाई साहब, ये सब क्या है कि हम आ गए थे 1st June को गुना। यहाँ पर हमने 2 दिन स्टे किया, 1 दिन हमने गाड़ी में थोड़े बहुत काम थे वो सब ठीक करा। एक माइनर सा पंचर था तो हमने पूरा उठा के ट्यूब ही चेंज करा दिया, क्योंकि उस पुराने ट्यूब में ऑलमोस्ट 2 पंचर हो चुके थे, तीसरा पंचर था। और 1st June की रात जब मैं पहुँचने वाला था गुना, उसके पहले ही मेरी गाड़ी में हुआ एक बहुत बड़ा गुनाह। वो गुनाह ये था कि मेरी गाड़ी का एक जो मेन सिस्टम जिससे सब कुछ चलता है, उसका फ्यूज़ उड़ गया था। तो मैंने तुषार भाई से थोड़ा ज्ञान लिया था कि फ्यूज़ कैसे करना है, तो मैंने तुरंत फ्यूज़ बॉक्स खोला, स्पेयर फ्यूज़ को उसमें डाला और बिना, अब इसको जबलपुर जाके दिखाना पड़ेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रहा है इलेक्ट्रिकल को लेकर, तो वो अपन जाके जबलपुर दिखा देंगे। फिलहाल टनाटन चल रही है गाड़ी, टनाटन चल रहे हैं हम। और आज हमारा सफ़र जो है ये आखिरी सफ़र कहना चाहिए हमारे इस सिक्किम ट्रिप का है, और ये लास्ट लेग हमारे चैप्टर का है। और हम जा रहे हैं जबलपुर की तरफ, लेकिन रूट हमने एकदम ही डिफरेंट लिया इस बार। रूट हमारा है आज का गुना से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जो कि 500 किलोमीटर का है। वैसे गुना से जबलपुर जो है वो 420 किलोमीटर्स ही है। तो ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये पूरा 4 लेन है और हम चाह रहे थे वो पुराना रूट जो है बार बार कर चुके हैं, बोरियत होती है, तो एक नया रूट पकड़ लिया जाए। लंबा पड़ेगा, 80 किलोमीटर, 2 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लगेगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा थूक जाएंगे, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं इसी से। देखते हैं कि हमारा टाइमिंग वैसे पहुंचने का वही है, 6 घंटे लगेंगे। 7 बजे निकले थे तो 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, बाकी जैसी होगी मर्जी वैसी चलेगी अपनी अर्जी। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। बड़ा है, अभी तो नाश्ता करने के लिए जगह रुकना है, तो फिर आपसे और बहुत सारी बातें होंगी। सफ़र आज अपना सोलो चल रहा है यहाँ से, तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। गोप्रो, हाँ ठीक है। तो अभी हो रहा है 9:12 और हमने तकरीबन 2 घंटे अंदर 153 किलोमीटर चालू कर दिए हैं। बैक थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया था, उसको सही किया है। ये कोरावर जगह है और यहाँ पर मैंने किया है पोहे का नाश्ता और साथ में एक स्टिंग। स्टिंग वालों स्पॉन्सर कर दो भाई, इतना प्रचार मैंने किया है इतना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी स्टिंग ने इतना कैफीन भर दिया मेरे अंदर जिसको निकालने में जन्म लग जाएगा मेरे को। खैर जो भी है, जैसा भी है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ से भोपाल जो है वो केवल 60 किलोमीटर्स है और वहाँ से जबलपुर 280-290 के आसपास है। बस मज़ा आ रहा है। श्यामपुर 12 किलोमीटर, भोपाल 55 किलोमीटर्स। सो लेट्स रॉक एंड रोल ऑन दी रोड। और मज़ा आ गया भाई साहब, भाई साहब लग रहा है 10 बजे तक मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा और वहां से 2-3 घंटे 4 घंटे और लगेंगे जबलपुर पहुंचने के लिए। रूट लंबा लिया है मैंने इस बार, लेकिन अच्छा है। अभी गाने सेट कर लिए हैं और सब कुछ चेक कर लिया है, पानी वानी पी लिया है। मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। ओके, वेलकम है भोपाल में आपका। और भोपाल जो है ये मेरा तीसरा घर है एक्चुअली। फर्स्ट मेरा मुरैना, सेकंड मेरा गुना और थर्ड जो है वो मेरा भोपाल है और चौथा घर मेरा जबलपुर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरी कॉलेज, मैंने एजुकेशन जो अपनी कॉलेज की वो यहीं से पूरी की और उसके बाद मैंने कुछ साल यहाँ पे जॉब भी किया और इसीलिए ये शहर मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं क्या बता दूँ, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी और करीबन 8 साल मैंने यहाँ बिताए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। कुछ दोस्त मेरे बहुत खासम खास यहाँ से बने। शहर तालों का ताल है, ये भोपाल ताल है। ओहो, अलग फीलिंग है, अलग फीलिंग है। मेरा मन था कि मैं बाहर से निकल जाऊँ, बट पता नहीं गाड़ी कैसे अपने आप मुड़ गई यहाँ पर और मैं VIP रोड क्रॉस कर रहा हूँ। एक टाइम हुआ करता था VIP रोड, हम लोग रात में आया करते थे, घूमा फिरा करते थे, और ये वही VIP रोड है। आज एक अलग फीलिंग के साथ यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। अलग फीलिंग है यार, एकदम नॉस्टैल्जिया वाला जो फीलिंग होता है ना, वैसा ही फील कर रहा हूँ। मिसिंग माई ऑल कॉलेज फ्रेंड्स, आज सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी वक्त निकाल लेते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। और यही होता है यार, हम सोचते ज़रूर हैं कि मिलते रहेंगे, दोस्ती बनी रहेगी, सब कुछ रहता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता मिलने का एक दूसरे से। कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ यहाँ वहाँ, सब बिखर जाते हैं यार। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट टू लिव एक्चुअली। तो बस इन्हीं यादों के। सुंदर सब झीलों का शहर हो, नाम हो उसका भोपाल।
GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओहो, तो ये है शहर भोपाल। एक टाइम था जहाँ हमारा भोकाल। जस्ट जोकिंग, जस्ट मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया यार। भोपाल देख लो यार, ये है बड़ा तालाब और बड़े तालाब से भी निकल रहे हैं। बहुत कुछ चेंज हो गया है, कोई फिज़ा, VIP रोड, फ्लाईओवर्स बन गए हैं। ये भोपाल वो वाला भोपाल नहीं है जो 2005 से 2009 तक हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने जिसको जिया। 2013 तक मैं यहाँ पे था, उसके बाद मेरे को भोपाल छोड़ना पड़ा और फिर कुछ जबलपुर पहुँचना पड़ा। तो भाई साहब, ये मेरा तीसरा घर है। टाइम हो रहा है 10:01, टेम्परेचर कुछ 37-38 के आसपास है, लेकिन अल्टीमेट फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बने रहिए, आपको नई नई जगह अभी देखने को मिलेंगी। न्यू मार्केट भी जाएंगे, फिर वहाँ से हम MP नगर एंटर करेंगे और MP नगर के बाद हम उतरेंगे सीधे भोजपुर पे, बरकतुल्ला होते हुए। तो भोपाल की एक झलक ये रही मेरे चैनल पर। ये देखो गाड़ी पर टेम्परेचर रहा 50°C और 4:12। ओके, तो अभी मैं बैठा हूँ केसर ढाबे के ऊपर, और केसर ढाबे के ऊपर नहीं, केसर ढाबे के अंदर बैठा हूँ और यहाँ पर मैं खाने वाला हूँ खाना। शाम के 4:30 बज रहे हैं। भाई साहब, मैं जिस गति से आ रहा था वो थी 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास मैं पहुँच गया था राजमार्ग, और मैंने सोचा था कि 3:30 बजे मैं जबलपुर पहुँच जाऊँगा, लेकिन उसी जगह पर राजमार्ग से 5 किलोमीटर पहले मेरा टायर हो गया बस्ट, क्योंकि एयर प्रेशर तो ठीक था लेकिन ट्यूब जो था वो छोटा था, डायमेंशन में मेरे टायर के हिसाब से नहीं था। और दूसरी बात, CC रोड पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया था। तीसरी बात, अगर आप कंटिन्यूसली चलाते हो गाड़ी गर्मी में 100-150 किलोमीटर एक बार में स्ट्रेच मारते हो तो हवा बहुत तेज़ गर्म होती है, और जब मेरा टायर बस्ट हुआ उसके बाद मैंने वहाँ पर गाड़ी को कैसे 5 किलोमीटर खींचा वो मैं जानता हूँ। स्पेयर में ट्यूब रखा हुआ था, मैंने दोबारा से वही ट्यूब डाला जो गुना में मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, और ये ट्यूब मेरा झारखंड राइड से स्पेयर में चलता आ रहा है, फिर स्पेयर से वापस मेन में आता है, वापस स्पेयर में चला जाता है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन किसी तरीके से बस ये मैंने यहाँ तक गाड़ी को ले आया हूँ और अच्छे से चला के ले आया हूँ। अब मैंने तय कर लिया है कि जब भी CC रोड पर गर्मी में जाऊँगा, पहले तो नाइट्रोजन फिल कराऊँगा, दूसरी बात टायर का जो प्रेशर है उसको हमेशा 35 रखो, तीसरी बात हमेशा 80 किलोमीटर पे एक ब्रेक ले लो। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी हमेशा गर्मी के सीज़न में, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। CC रोड मतलब तुम्हारे सारे समीकरणों को बिगाड़ के रख देती है। और अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पर, अपनी राइड को यहीं पर दी एंड करने जा रहा हूँ, और सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरे माता पिता ने मुझे इतना जो कहना चाहिए काबिल बनाया कि मैं ये अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। सारे बच्चों से मेरी एक ही गुजारिश है कि खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, और खूब सारा पैसा कमाओ और खूब सारा दुनिया घूमो, क्योंकि दुनिया घूमने के लिए बनी है भाई। दुनिया में जितना तुम घूमोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और लास्ट में और तुषार भाई का बहुत बहुत थैंक यू राइड पे सपोर्ट करने के लिए, चीज़ें सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और अक्कू भाई का स्पेशल थैंक यू क्योंकि इन्होंने मुझे इंटरकॉम दिया था जिससे मैं और तुषार भाई कम्युनिकेट कर पाए। कई जगह पर अटक जाते थे तो वहाँ पर हमारा वो कम्युनिकेटर जो था वो काम आया। तो सभी को हैट्स ऑफ है और थैंक यू है इस राइड पे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस, ये सीरीज़ पसंद आई है तो पोरिया बिस्तर बांधिए,
घर से बाहर निकलिए और सिक्किम जाइए घूमने के लिए। सिक्किम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, मज़ा आ गया सिक्किम राइड करके। और ये गर्मी तो ठीक है चलती है, बरसात चलती है, लेकिन जो जगह है वो एक अल्टीमेट एडवेंचर है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ बोरिया बिस्तर बांधो, टिकट कटवाओ और घूमने जाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और केसर ढाबे पे खाने के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहे हैं, सीरीज़ को एंड करने जा रहे हैं। जल्दी आपसे एक नई सीरीज़ या एक नई राइड पे मुलाकात होगी, छोटी छोटी राइड, बरसात आने वाली है, नए नए डेस्टिनेशंस कवर करने हैं, बहुत कुछ घूमना है, बहुत कुछ दिखाना है, तो आपसे अब मुलाकात होती रहेगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई राइड पर, तब तक लिए साइन ऑफ। अभी शुभ रात्रि तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, एंड सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार।